नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक 28 जनवरी 2019। इस वीडियो में शुरू करते हैं 28 जनवरी करंट अफेयर्स हिंदी भाषा में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो लेट्स गो, आज का पहला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस पर शहीद लांस नायक नज़ीर वानी को मरणोपरांत किस वीरता चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक नज़ीर वानी कश्मीर के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। नज़ीर वानी 23 नवंबर 2018 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। एक नज़र अशोक चक्र पे। अशोक चक्र भारत का शांति के समय का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान सैनिक व असैनिकों को असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत सरकार ने 2030-2031 तक कितने मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 300 मिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया। अगला क्वेश्चन। सन 2019 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन एक, 7.5% रहने का अनुमान है सन 2019 में। और 2020 की बात की जाए तो 2020 में रहेगी 7.7% आर्थिक विकास दर। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? हाल ही में किस देश ने 100 रुपये से अधिक भारतीय मूल्यों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, नेपाल सरकार ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया 100 रुपये से अधिक भारतीय मूल्य के नोट। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जनवरी 2019 को किस किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, लाल किला नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से जुड़ी हुई उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया जो उनको महान बनाती है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रथम शेक शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, सीएन राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रथम शेख शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये पुरस्कार सऊदी अरब सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सीएन राव को 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जिंदगी नामा नामक उपन्यास की लेखिका जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती, जिनका निधन हाल ही में हो गया था। जिंदगी नामक कृति 1980 में लिखी गई थी कृष्णा सोबती द्वारा। इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया जो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी अन्य कृतियाँ हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, मित्रों मरजानी, जो एक सबसे बड़ी फेमस कृति है उनकी मित्रों मरजानी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में रवनीत सिंह गिल को किस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यस बैंक। रवनीत सिंह गिल यस बैंक के वर्तमान सीईओ और एमडी
राणा कपूर का स्थान लेंगे। सीईओ तो ये है वर्तमान में रवनीत सिंह, एमडी हैं वर्तमान में राणा कपूर सिंह, इनका स्थान लेंगे रवनीत सिंह गिल। राणा कपूर 31 जनवरी 2019 को रिटायर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए। वर्ष 2019 का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है वो 9वें नंबर का मतदाता दिवस यानी 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इससे पहले 8 मनाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इस निर्वाचन आयोग में, भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस दो चुनाव आयुक्त होते हैं। यह आयोग, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई, तब से लेकर अब तक 9 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना वायु स्टेशन INS कोहासा की शुरुआत कहां पर की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन सुनील लांबा ने किया। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।